हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम तारिक यूसुफ है, मैं छठा किरुला का रहने वाला था और हम लोग बेहद खुशोपुरम जिंदगी बसर कर रहे थे। मेरे बड़े भाई का नाम आरिफ यूसुफ है और छोटे भाई का नाम वारिस यूसुफ है। मैं कटनरी फैक्ट्री में काम करता था और पार्ट टाइम पटाखे बनाता था। 25 अक्टूबर 2013 को मलक मुजम्मल ने मुझसे पटाखे लिए। मोहम्मद साहिब की शादी थी, 7 बजे मैंने उनको पटाखे दिए और 8 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपके पटाखे चल नहीं रहे। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे जाने से पहले उन्होंने 3 पटाखे तोड़ दिए थे और 2 पटाखे मैंने जब चलाए वो सही चले और मैं चला कर वहाँ से आ गया। रात 11 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपसे कुछ काम है, आप यहाँ पर आओ। तो मैं वहाँ पर जब गया तो उन्होंने मुझे कुरान के कागज़ दिखाए। उन्होंने कहा ये जो पटाखे हमने तोड़े थे इनमें से निकले हैं। तो मैंने कहा ये मैंने नहीं डाले। उन्होंने मुझे फिर मारा पीटा और गांव के बुजुर्गों और मुस्लिम लोगों ने मिलकर इस मामले को रफा दफा किया। और 4 दिन बाद जब मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था तो पर्चा हुआ और मुझे पता चला कि पुलिस मेरे दोनों भाइयों को पकड़ कर ले गई जो कि दोनों रेलवे मुलाज़िम थे। और छठा किरुला की मस्जिदों में ये ऐलान हुआ कि तमाम मसीही घरों को आग लगा दें। और फिर मुझे लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए कि आप यहाँ पर आओ, आपको पेश कराते हैं, कुछ नहीं होगा। तो मैं वहाँ पर नहीं गया क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जो अपने आप को पेश करता। अगर मैं वहाँ पर जाता तो वो मुझे पकड़ते, मार देते या फिर फांसी की सज़ा देते या उम्र कैद की सज़ा देते और मैं दूसरे तहिनर सादत की तरह कालकोठरीन में ही मर जाता। इस मामला को सुनकर फरुख सैफ फाउंडेशन की टीम हमारे गांव में आई और उन्होंने इस सारे मामला को कंट्रोल किया और पुलिस को हमारे गांव में रोका। और ऐसे वाकयात में जब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, इन वाकयात में फरुख भाई ने मुझे 7 माह तक अपने पास रखा और मुख्तलिफ जगहों पर छुपाते रहे क्योंकि छापे पड़ रहे थे। मेरे बड़े भाई के ससुराल में, मेरे ससुराल में, मेरे चाचाओं के घरों में छापे पड़ रहे थे और मेरा पासपोर्ट बनना मुश्किल था क्योंकि मैं मफरूर था। और फरख भाई ने बड़ी जद्दोजहद करके मेरा पासपोर्ट बनवाया और मुझे वहाँ से निकाला और अभी मैं एक महफूज मुल्क में हूँ। और एयरपोर्ट से मेरा निकलना बहुत मुश्किल था, मुझे नहीं पता कि कैसे निकाला इन्होंने। बहुत से पैसे इन्होंने लगाए मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए, बहुत से पैसे इस्तेमाल हुए और अब मैं खुदा उनका शुक्र है एक महफूज जगह पर हूँ। और मैं फरख भाई का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदा इनको बेहद बरकत से माला माल करे और इनकी टीम को और इनके अहले खाना को खुदा अपनी निगाह में रखे। आमीन।